21वीं सदी में पहली बार ऐसा हुआ कि जब देश और दुनिया अपने घरों में सिमट गई, एक वायरस ने सबको इतना ज्यादा मजबूर किया कि जल थल वायु सभी परिवहन सेवाएं बंद करनी पड़ गई। एक प्रकार की इस आपातकाल में नए नवेले राज्य की नई पुलिस ने शानदार काम किया। लोगों की मदद करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए नया तरीका ईजाद करने के साथ साथ अपनी रूटीन पुलिसिंग को नहीं छोड़ा, जिस कारण लॉकडाउन में शराब तस्करी से लेकर वसूली करते फिर रहे नकली दरोगा पकड़े गए। सीमित संसाधनों में सरकार ने भी पुलिस पर ही भरोसा किया, लिहाजा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी दून पुलिस लाइन में बनाया गया और पुलिसकर्मियों ने इसका जिम्मा संभाला। घरों को छोड़ दिया, बच्चों से वीडियो कॉल पर बात करने लगे कि कैसे भी संक्रमण न फैलने पाए और परिवारजन भी सुरक्षित रहें। राज्य पुलिस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केदारनाथ में आई आपदा के बाद से भी ये बड़ा मौका था। पुलिस की ये वर्किंग की निष्पक्षता ही थी कि स्वयं राज्य सरकार के मंत्री मदन कौशिक को बैठक में तय करना पड़ा कि राशन वितरण का काम पुलिस ही करेगी। राज्य पुलिस के सामने दोहरी चुनौती भी दिखी। पहले तो मैदानी जिलों में अलग मिजाज और अलग वर्किंग, जबकि पहाड़ों की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न थी, ठीक उसी तरह माहौल और जनता का व्यवहार भी। शुरुआत करते हैं जनता कर्फ्यू यानी 22 मार्च से पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान और कुछ हफ्तों की अपील मांगने के बाद पुलिस को क्लिक कर चुकी थी। कर्फ्यू के दिन से ही पुलिस ने प्लानिंग शुरू कर दी थी। पुलिस महानिदेशक अनिल रतुड़ी ने जिले के कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार प्रतिदिन प्रतिपल सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान जैसे ही किया, मानो भगदड़ जैसे हालात बन गए कि पुलिस ने आवश्यक दुकानों को खुलवाने की प्लानिंग प्रशासन के साथ बेहतरीन तालमेल करते हुए की और व्यवस्था संभाली। फिर पीएम मोदी के 14 अप्रैल तक संपूर्ण देश के लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही पुलिस का प्लान तैयार था। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कंट्रोल रूम को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार कराया, क्योंकि शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी समय समय पर समीक्षा करने पहुंचते थे। यहां सुरक्षा के साथ ही वायरस संक्रमण का खतरा पैदा हुआ। इस बीच राज्य से आने जाने वालों के लिए भी पुलिस ने बेहतरीन प्लानिंग के साथ काम किया। ऋषिकेश हरिद्वार देहरादून में आने जाने वाले लोगों को रोककर वापस कराने का काम किया, तो उधम सिंह नगर पुलिस ने शानदार काम करते हुए 20 जमातियों को पकड़ा जो कि दिल्ली जमात से लौट रहे थे और उसमें से कुछ संक्रमित भी पाए गए। राजधानी में शानदार काम करते हुए LIU ने SPCT श्वेता चौबे के नेतृत्व में 8 जमातियों को पकड़ा। इसके बाद कमान संभाली DGP अनिल रतुड़ी ने और साफ ऐलान किया कि 6 अप्रैल शाम तक सामने नहीं आए तो ऐसे जमातियों पर सीधे हत्या के प्रयास अथवा किसी की मौत होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। इतना कहते ही DGP के बयान से भूचाल मचा और आनन फानन में करीब 180 जमाती जिलेवार सामने आए। पुलिस ने इसके बाद इनके संपर्कियों, इनके स्थानों की तलाश के लिए करीब 20,000 अलग अलग नंबरों पर काम शुरू किया जो कि अभी भी जारी है। पुलिस ने अपने स्तर पर सीमित संसाधनों में काम किया। इसमें जरूरतमंदों पर राशन पहुंचाने से लेकर संक्रमण फैलने से रोकना तक शामिल है। आलम यह है कि पुलिस के इस बेहतरीन कार्य के लिए प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर पुलिस को फूल मालाएं पहनाई गई और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पुलिस वालों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। कहीं न कहीं लोगों ने इन्हें अपना असली कोरोना वॉरियर मान लिया। एक और खास बात देहरादून पुलिस की, जिसमें उन्होंने नेहरू कॉलोनी थाने के क्रमिकों ने एक सिपाही एक परिवार के तहत करीब 125 परिवारों को गोद लिया। पहाड़ TV भी पुलिस के इस प्रयास की सराहना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ TV, खबर पहाड़ की। बेल आइकन दबाना ना भूलें।